एबे शिशु मानक क्षेत्र में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे बढ़िबारे लागिछि। प्रतिदिन 100 परे रहुछि 0-18 मध्यरे पिलांकु संक्रमण। तबे कोविड संक्रमण एक मास परे 10 वर्ष मध्यरे थिबा पिलांक भितरे मल्टी सिस्टम इनफ्लामेटरी सिंड्रोम बा एमआई सिंड्रोम रो संभावना बढ़ी जाउछि। जदि देखिबा तबे एहा प्रथम लहर रे चिन्हट होइ नथिला। यह द्वितीय लहर में देखागला जे बहुत पिला एमआई सिंड्रोम रे हॉस्पिटल आसुचंती। यहार लक्षण हेउची कोविड रु सुस्थ हेबार एक मास परे सेमानकर मुंडो बिंधा झाड़ा बांती हेउची। एही लक्षण देखा जबा मात्रे डाक्टरक परामर्श नै हॉस्पिटल रे भर्ती हेले मृत्यु हार कमे बोली कहिचंती जनस्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर निरंजन मिश्र। एथसहित जिला समेत सब हस्पिटाल पिलां ऑक्सीजन सिलिंडर और बेड बढ़ावा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निर्देश देते। आईसीयू एसडीयू व्यवस्था बंदोबस्त चली। खूब शीघ्र सब हस्पिटाल चिकित्सा सुविधा मिल। वर्तमान सब मेडिकल कॉलेज रे ए सुविधा अच्छी सूचना दी जाए। राज्य में शिशु मानक क्षेत्र में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे वृद्धि पाइबारे लगी। आगु आकलन करा जदि थर्ड फेज आसे जदि थर्ड फेज संभावना रहे ताहले शिशु माने अधिक मात्रा रे संक्रमित हुए। वर्तमान समय अभिभावक मानक निवेदन कि समस्त शिशु मानक ध्यान रखत निजे सजग रुंतु शिशु मान संक्रमण ठारु दूरे रखु। प्रतिदिन 100 पर रहुची 18 वर्ष मध्य पिला संक्रमण पिलांकर गोटे मल्टी सिस्टमिक इनफ्लामेटरी सिंड्रोम जोटा कोविड परवर्ती काल रे हबार संभावना बढ़ी जाए। आम फर्स्ट वेव रे केस विशेष डिटेक्शन है नथला किंतु सेकेंड वेव रे पिला इनफेक्टेड संख्या टिके बढ़ी जिवा परे एटा लक्ष्य करहला बहुत पिला कोविड रिकवरी परे पोस्ट कोविड काल रे मल्टी सिस्टमिक इनफ्लामेटरी सिंड्रोम रे हॉस्पिटल को आसुछन्थे। यूजुअली किसी दिन पर कोविड रू रिकवरी करिवार किसी दिन पर झाड़ा हो पारे मुंड बथा हो पारे ज्वर हो पारे यह लक्षण थी हॉस्पिटल को बांति भी हो पारे। राज्य में जोभली भाव में शिशु संक्रमण वर्तमान वृद्धि पाइबारे लगी निहाते भाव में गोटे चिंताजनक विषय हेले जदि चाहिबा थर्ड फेज को अटके पारिबा जदि आम समस्त सहयोग रहिबो शिशु संक्रमण संख्या कमिबो निहाते भाव में। वर्तमान आम सहित फोन लाइन जोगे जोड़ी ही जाइछन्ति श्रीजुक्त सुनील कोटा। सर आपको प्रथम जी ओडिशा को स्वागत करुच्छे। सर जदि देखा विशेषज्ञ मानक अनुमान थिला जदि थर्ड फेज आसे तो शिशु मानक क्षेत्र में अधिक परिमाण में देखा जिवो और जहाँ वर्तमान जदि देखा वर्तमान स्थिति धीरे धीरे शिशु संक्रमण संख्या बढ़िबारे लगी। हेलो आज्ञा सर सुनी पार्छन्ति। हां निश्चय निश्चय देखंतु विगत किछ दिन रो जो चित्रटा त रहिछि पिला माने दैनिक बहु संख्या आक्रांत होउछन्ते ओडिसा कथा जदि आमे आलोचना करिबा एवं जो किछ जे मॉडल रहिथिला आगुर आपण जदि देखिबे आमर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो रिपोर्ट भी देखले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सेतिरे मध्ये गुठे माने संदेह व्यक्त करा जेसे जे प्रोबेबली ए तृतीय लहरी रे पिला माने आक्रांत अधिक मात्रा रे होई परंती किंतु यार किछ ता द्वंद्वात्मक माने व्यू मध्ये सामना को आसीछि। किसी महल को कहुच्छे जेहेतु पिला देहर मानने रोग प्रतिरोधक शक्ति अधिक रही देहर जो अन्न्य आनुषंगिक रोग संभावना भी कम रही भाइर शरीर में प्रवेश कला कोषे अवस्थित जो किसी रिसेप्टर जोटा को कि प्रथम थर पर भाइरस टी संलग्न होता है जेहतु पाने कम रही है से पाने कम संक्रमित हवा संभावना भी अधिक रही है। जदि भी संक्रमित हमें मृदु धरण अथवा मध्यम धरणर लक्षण से आक्रांत हो पारती कि जहाँ भी होना कहीं जानते जदि भाइरस रूपरेखे गोटे बहुमतार परिवर्तन देखा दिए ताहले पिला मान क्षेत्र में भी गोटे भयावह धरणर कोविड 19 सर जदि देखा गोटे जहाँ सूचना मिलूँ कि जो मल्टी सिस्टम इनफ्लामेटरी सिंड्रोम बा एमआईएस सिंड्रोम संभावना कहा जाऊँ यह धीरे धीरे बढ़िवार लगुच सर यही सिंड्रोम प्रकृति में कौन आर कौन प्रभावित करें बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन यार अर्थ होती मल्टी सिस्टम इनफ्लामेटरी सिंड्रोम सिंड्रोम एमआईएससी कहुए विगत 4 सप्ताह ते जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिसिन एसोसिएशन जो रही जामा गोटे तथ्य प्रकाशित होता कहगला कि यहाँ 5 रु 10 लक्ष छुआ जनक क्षेत्र में देखा तेनालीराम गोटे कमन अकरेन्स नए कि तथापि समस्त जारी रखा दरकार जो मैंने प्रथम अवस्था मानने सामान्य धरना कोविड 19 अथवा लक्षण विहीन कोविड 19 आक्रांत हो चिकित्सा लाभ करती तहार 4 रु 6 सप्ताह पर देखा जाए से गोटे जो इनफ्लमेसन जो कहुच रियाक्शन
बहु गुड़ाए अंग को आक्रांत करता है जथा हार्ट लंग्स आम ब्लड वेसल्स तथा कहतु किडनी आम अंतनली मस्तिष्क चर्म तथा आखि को आक्रांत करे यह साधारण देखा जाए एक वर्ष रु कम जो मैंने रही क्षेत्र में ज्वर जोटा कि चौबीस घंटार अधिक रुहे झाड़ा बांति पेट काटी हवा चर्म स्किन रैश किसी देखा अत्यधिक दुर्बल हो जा हार्ट बीटा बढ़ी जावा ता छड़ा श्वास जो गति रही है द्रुत गति में होता है आखि लाल पड़ा आपणकर ओठ जीभ हाथ गोड़ सब लाल पड़ जा अथवा फुली जावा ता छड़ा मुंड बुला ता छड़ा आप मुंड व्यथा एवं जो लिम्फ नोड कहा जाए कि आपणकर बेकरे तथा हाथ में लिम्फ नोड फुली जाए यार विशेषकर आम देखी था यहाँ गोटे सेल्फ लिमिटिंग इलनेस से बड़ किसी प्रोब्लेम हो न था किंतु जब किसी इमरजेन्सी सैन रोज जो थे कि अत्यधिक पेट काटा भंस लगवा ता छड़ा छुआटा जी हटात किना पेल हो जाए ग्रे पड़ जाए कि अथवा नेलिया रंग पड़ जाए हटात किना से मैंने गोटे अलर्ट पिलाटे रही हटात किना कन्फ्यूज रोचे कि हटात किना से मैंने सक्रिय रोला कि हटात किना से उठी पार ना कि आवेक रही पार ना से भाई क्षेत्र में आम निश्चय रूपए हस्पिटाल भर्ती करवा दरकार एवं बहुत गोटे इंपोर्टेंट कथा हूँ वर्तमान समय समस्त जो पिला मैंने भी आडमिट होती किडमिट न होती कारण आम जमी कही रखिले लक्षणाधीन कोविड 19 पर गोटे मानने जो एम आई एस देखा दे पारे तेणु पेरेन्ट्स मैंने सजग रहा दरकार जब ये किसी लक्षण आस तुरंत डाक्टर सुनील सर जदि देखा देखो तो शिशु मान कथा जो जगार उठू वर्तमान तो जदि सरकार को कथा कह सरकार सब प्रकार व्यवस्था वर्तमान कर सारे जदि आग को थर्ड फेज आसे सब प्रकार सरकार जो भाव में शिशु मान संक्रमण जदि हुए तो शिशु मान सुरक्षापी सरकार पूरापूरी भाव में प्रस्तुत हेले सर आम जरिया अभिभावक मानक आप कौन सचेतनता बार्ता देते जेहतु आम समस्ते जाचु जदि अभिभावक मैंने चाहिए तो शिशु संक्रमण रोकी पारे शिशु मैंने बाहर को जाती ना हे तो वर्तमान स्कूल हेले स्कूल रे मते बहुत गुड़ाए नियम कानून करा जाय छी जदी शिशु मानकर स्वास्थ्य अवस्था बिगड़े स्कूल कर्तृपक्ष को मते समाने जणेबे आ निज शिशुर सुरक्षा दायित्व वर्तमान अभिभावक हाथ में अभिभावक बाहर को जिबे संक्रमण आनिबे जदी घर को ताहले शिशु संक्रमित हेबे बहुत इंपोर्टेंट कथा कहि जन मैडम देखंतु जदी ओ किछ मॉल रे पुआ जाय छी पिला माने आक्रांत न होइ पारथि तो आमे जदी हमर जो विगत दुई ते लहरि रे पंचायत श्रम को आलोचना करबा प्रथम लहरि रे वयस्क व्यक्ति आक्रांत हेले द्वितीय लहरी पूर्व जेहतु वयस्क व्यक्ति किसी मात्र वैक्सीन ग्रहण कले आम देखे युव बयस लोक आक्रांत है और बर्तमान जेहतु 18 वर्ष ऊर्ध आज तो जहाँ जना पड़ी बस बास्तर कोटी डोज दि सारी तेना बहुत संख्यार लोक जेहतु वैक्सीन ग्रहण कले कि 18 वर्ष रु ते जो मैंने रही गोटे भी पिला कहीं वैक्सीन ग्रहण करना कारण आमोदित होना तेनालीप्रेक्षी में पिला मान संक्रमित होगा संभावना अधिक आप गोटे बहुत भल कहते पिला जेहतु बर्तमान बाहर जीत मात्र पिला जी संक्रमण देखा जाए मोस्ट कमनली घर रही जन वयस्क व्यक्ति जी बाहर को जा बाहर इनफेक्शन कंट्राक्ट कर सी आस पा देवार संभावना रही देखते वर्तमान परिस्थित आपड़ जब वैक्सीन ग्रहण करते गोटे परेशर सम्मुखीन होती जो कि वायरस रही वायरस निश्चय आप प्रवेश कर वैक्सीन बल में आप लक्षण प्रस्तुत न हो पाए कि आपंप शरीर में वायरस प्रवेश कर आपंकर नाक तंती भाग में निश्चय रूप रही अवस्था आप घर को फेरते घर को घर पाने वयस्क व्यक्ति जो मैंने आनुषंगिक रोग आक्रांत अच्छा से संस्पर्श आसे आपण व्यापी जा संभावना रही तेणु कहुच सुरक्षित थे सुधा आप बाहर को जवा मात्रे मास्क परिधान करूँ सामाजिक दूरत्व बजाय रखु अतथा गहली जगह को जातु ना बारंबार हाथ धुंतु जहाँद्वारा कि पाने निश्चय रूप सुरक्षित रखें जो कथा आमे मध्य कहिबू सुनील सर कि निहाती भावरे समस्त को वर्तमान समय कि सजाग रहिबा सचेतन रहिबा जदि सजाग सचेतन रहिबा ताले शिशु संक्रमण रोकी हेबो ओ हुए त थर्ड फेज को समस्ते मिली मिसी रोकी पारिबा एथिरे स्वास्थ्य विशेषज्ञ सुनील कोटा सर जे कि आमो सहित अधिक आलोचना करथिले सर अधिक आलोचना करथबारु बहुत बहुत धन्यवाद आपनकु राज्य आउ 771 नुआ कोरोना संक्रमित चिन्हट होती 117 जन कोरोना आक्रांत 8 वर्ष रु कम रही क्वारेन्टीन 448 लोकाल कंटाक्ट रु 323 जन चिन्हट होती खोर्धा जिलार सर्वाधिक 327 जन आक्रांत चिन्हट होती सेपरी स्टेटफुल 76 कटक 71 बालेश्वर 41 जाजपुर 34 जगत सिंहपुर 26 पुरीरु 21 मयूरभंज 19 संबलपुर 17 अनुगुल 16 भद्रक 15 केन्द्रापड़ जणे सुंदरगढ़ 13 ढेंकानाल 12 जन आक्रांत चिन्हट होती
ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼ ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟରୁ 11 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 10,14,338କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାରୁ ଆଉ 574 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କରୋନା ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା 9,99,165 ଜଣକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 7,042 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।